तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे जो है बड़ा छोटा, ठीक है, बड़ा छोटा कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा, ठीक है, रिवीजन हो रहा है आप लोगों को मालूम है पहले से कि जो है कौन सा बड़ा होता छोटा होता, ठीक है, तो आज इसको फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं संख्याओं की तुलना करना, ठीक है, तुलना करना, तुलना करना मतलब कि ये देखना कि इसमें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो देखिए ये तो देखो कितने लिखा हुआ है चार और इधर लिखा हुआ है पांच, तो आप लोग जानते हैं कौन सा बड़ा है, पांच बड़ा है, पांच की तरफ चोरस खोल देंगे ना, ऐसे ना करते हैं। तो पहले बेसिक भी देखते हैं, अब देखिए इसमें बेसिक क्या है, फर्स्ट बार हम लोग ये देखेंगे कि जो है कि अगर मान लिया ये यहां पे, यहां पे देखिए ये है और यहां पे ये, अब इसमें बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा, ये वाला बड़ा है ना, ये वाला बड़ा है, तो इसकी तरफ चोंच खोले, ये जो होता है ये चिड़िया का चोंच होता है, जैसे चिड़िया, अब देखिए बड़ा छोटा, जैसे सपोज करिए यहाँ पे अंडे रखे हैं, अब बताइए किधर ज्यादा अंडे हैं, इधर ज्यादा अंडे है, ठीक है, इधर कम अंडे, तो ये बड़ा है और ये छोटा, तो पूरी चिड़िया जो है चिड़िया चोंच किधर खोलेगी, इधर ज्यादा होगा ना, इधर की तरफ, इधर की तरफ चोंच खोलेगी, जिधर ज्यादा है उधर की तरफ चोंच खोलेगी, यहां पे बना लो ऐसे 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 चोंच खोल दो, इसका इसकी आंख है, ठीक है बच्चों। अब देखो ये चिड़िया भी चिड़िया हमेशा ज्यादा की तरफ चोंच खोल के रखेगी, ठीक है, तो ये ज्यादा है तो इधर जो है चिड़िया का चोंच खुला हुआ, ठीक है, ये कम है तो इधर तो बंद रहेगा ना, एक ही तरफ खुला रहेगा ना, ऐसे एक तरफ बंद रहेगा। अब हम लोग जब भी बात करेंगे तो चिड़िया को नहीं बनाएंगे, ठीक है, केवल चोंच बनाएंगे उसका, ठीक है, और आप लोग समझ जाना कि ये चिड़िया का चोंच है, ठीक है बेटा। अच्छा देखो ये कटोरा है, ठीक है, ये कटोरा है और एक कटोरा यहां है, कटोरा बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो इधर की तरह चोंच खुलेगा, ठीक, लेकिन अगर इस कटोरे में रसगुल्ले रखे, कितने रसगुल्ले हैं, आप बताओ किधर ज्यादा रसगुल्ले हैं, तो इधर का चोंच खुलेगा, ठीक है, ठीक है, ये तो हो गई रसगुल्लों की बात, ठीक है। अब देखिए जिधर ज्यादा होगा उधर का ही चोंच खुलेगा, ठीक है बच्चों, जिधर ज्यादा होगा उधर का ही चोंच खुलेगा, ठीक। अब देखते हैं जैसे सपोज करिए यहाँ पे चिड़िया उड़ रही है, ठीक है, चिड़िया उड़ रही है, बातें नहीं करिए, अब इधर भी कुछ चिड़िया उड़ रही,
अब बताइए किधर का चोर खुलेगा? इधर ज्यादा चिड़िया है ना, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस चिड़िया है। इधर आठ, इधर भी आठ। इधर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ चिड़िया है। तो ये ज्यादा होगा तो इधर का चोर खुलेगा, है ना? जो ज्यादा होता है उधर ही का चोर खुलता है। सबको समझ में आ रहा है? अब हम लोग अंकों की तरफ चले। अंक पढ़ना आता है ना आप लोगों को? इकाई दहे सैकड़ा वाला ज्ञान है सबको पता है ना? देखो सारी चीजें पढ़ा चुके हैं, दोबारा पढ़ा रहे हैं, सबको पता होना चाहिए। अब देखिए मैंने इधर लिख दिया ग्यारह और इधर लिख दिया मैंने तेईस। आप बताइए तेईस रसगुल्ला ज्यादा होता है कि ग्यारह रसगुल्ला? तो अगर तुम चिड़िया हो तो तेईस रसगुल्ले की तरफ मुंह करोगे कि ग्यारह रसगुल्ले की? तेईस वाले रसगुल्ले की तरफ मुंह करोगे ना, क्योंकि वो ज्यादा होता है ना, है? और ग्यारह कम होता है तो कम की तरफ थोड़ी ना मुंह करोगे, कम खाने को मिलेगा है? तो चिड़िया किधर का मुंह करेगी? इधर का करेगी। अब अगर मैं यहां पर लिख देता हूं 111, 111 और इधर मैं लिख रहा हूं 909 लिख दे रहा हूं, ठीक है? अब ये बताइए इसमें कौन ज्यादा है? 900 ज्यादा है ना? और स्वार्थी क्या देख रही है? बंद कर उसको, कोई कॉपी वॉपी नहीं खोलेंगे जब तक हम बोलेंगे नहीं। जब तक हम नहीं बोलते हैं कुछ भी लिखना नहीं है, कुछ भी पढ़ना नहीं है, ठीक है? अच्छी तरह से अटेंशन अटेंशन होकर बैठो सीधा। हाँ अब देखिए जो ज्यादा होता है उधर चोच खुलेगा ना। अब बताइए अगर 111 रुपए दिया जाए आपको या 911 दिया जाए तो कौन ज्यादा रहेगा? 911 रुपया ज्यादा रहेगा ना। तो अब लोगे कितना, ज्यादा वाला लोगे कि कम वाला? ज्यादा वाला लोगे। क्या करोगे ज्यादा रुपया लेके? अच्छा एक सवाल और है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो अब मैं जिसे बोलूंगा वो रीड करके सुनाएगा, ठीक है? यहाँ पे मैंने लिखा ये कितना है, कितना है ये? 250, 205, 205 कितने बता रहे हैं? अब 250 वाले कौन है? 250 बता रहे, 250, ये 205 लिखा है ना। देखिए जब जीरो इधर होता था ना ये 50 होता, जीरो इधर है तो ये 205 है, ठीक है? अब देखिए इधर भी मैंने लिख दिया 127 ये लिखा है और ये 205। अब बताइए 127 ज्यादा है या 205? 127 ज्यादा है या 205? 205 ना। 127 कैसे ज्यादा हो जाएगा? 127 के बाद में 128 आएगा, 199 आएगा, फिर 200 आएगा, फिर 201, 203, 204, 205 बाद में आएगा। तो जो बाद में आता है वो बड़ा होता है ना, तो 205 बड़ा है ना।
और चोंच किधर का बनेगा? 205 इधर का बनेगा, सुनेगा ना? यस सर। कौन करा नहीं सुनेगा चोंच? जैसे देखेगा 205 लंबे तुरंत चोंच खोल देगा। अच्छा मान लिया अगर केला खाना हो तो 205 केला कोई है जो यहाँ पे खा लेगा? कोई है लड़कों में से 205 केले खाना है तो खा लिया? अच्छा क्लास में जितने लोग बैठे हैं सारे लोगों का केला एक लोग को खाना है, खा ले जाओ, खा ले जाओ। कितने केले हैं इस केले में बच्चे हैं? 58। यार केले तो तुम्हारे यहाँ खूब होते हैं तो खाते नहीं हो क्या? अब देखिए संख्याओं में तुलना कैसे करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। अब देखो ये देखो बच्चों, ओए इधर देख, ये लिखा 1 किलो और ये है 2 किलो का बाट। अब बताओ कौन सा बाट बड़ा होगा? मान लिया तुम गए एक एक बाट रख के वो तौलने का, कहेगा रुपया उतना ही लगेगा लेकिन चाहे ये वाले बाट से तौला लो चाहे ये वाले बाट से तौला लो तो कौन से बाट से तौलाओगे? मान लिया चीनी लेना, क्या लेना है? चीनी खरीदना है। उसने कहा कि 50 रुपए तो देने पड़ेंगे चाहे ये वाले बाट से बराबर ले लो चाहे इस बाट के बराबर ले लो, तो कौन से बाट के बराबर लो? ज्यादा भी नहीं करना है तुम लोग तो ज्यादा के लिए परेशान हो। अच्छा मान लिया इधर निकाल हुआ है, ओए बातें नहीं करिए लक्ष्मी रूपाली तुम बताओ ये लिखा हुआ है, ये बताइए कितना लिखा है? खड़े हो, कितना लिखा है? ये इसको पढ़ के सुनाओ कितना लिखा है ये? 136 है?1363 लिखा है। अब अगर इधर देखा जाए इधर भी मैं कुछ लिख देता हूँ, इधर मैंने लिख दिया कि 5226। अब बताइए कौन सा बड़ा है कौन ज्यादा है कौन सा ज्यादा है? 5226। पढ़ के बता करिए, ये वो नहीं कर वो ये ऐसे नहीं, उसको पढ़ के बताइए 1363 बड़ा है या 5226? 5226। इसका मतलब ऐसे रहेगा तो है ना? तो देखिए बातें नहीं करिए, बातें नहीं करिए। देखो 3 सवाल दे रहा हूँ, सभी लोग अपनी कॉपी में हल करेंगे अभी दिखाएंगे तुरंत, ठीक है? प्रश्न संख्या 1, चलिए 20 मिनट और चलाना है।
अंत तक निकालना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। और उसमें चोंच का निशान भी बनाना है, बड़े की तरफ मुंह खुला रहेगा ना, जल्दी करिए। पेन से लिखिए, हाँ अभी यही तुरंत करना है, जिसका हो गया वो बैठे। देखिए हाँ जी हाँ जी सही है। चोंच का निशान लगाओ जिधर बड़ा हो, कंप्लीट करो। केवल नोट कर रहे हो आप लोग, नोट करने से काम थोड़ी ना चलेगा। हट गया यार, लाओ देखिए इसमें जो है। हाँ अब सब लोग मिला लेंगे इसे, जो तरीका 8 2 8 2 89, ठीक है। 8 2 9 इकाई कितना हो जाएगा 89, तो 289 इधर लिखा है और 335 इधर लिखा है। तो पहली बात तो ये 200 है, ये 300 है, तो कौन सा बड़ा है? 300। ये बड़ा। अच्छा अब देखो 529 और 592 कौन सा बड़ा है? 592। अब ये लिखा हुआ 711 और 701, 701 है ये और ये 711 है, तो एक से तो ज्यादा होता है ना 11। अब ये है 821 और ये 812। चलिए अब सब लोग बैठ जाइए। अब आप लोग एक और ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके का बता रहा हूँ। अब की बात तो सब समझ जाइए, बड़ा छोटा करने के लिए जिनको पढ़ना नहीं आता। देखो ओए सब लोग सामने की तरफ देखे, बोर्ड पे देखे, सब लोग लिखना छोड़ दे, लिखना छोड़िए बोर्ड पर। देखिए केवल बोर्ड पर देखिए, मौजूदा बैठो। देखो इधर लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है मुझे नहीं मालूम, तुम्हें नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 2 7 3, ठीक। और इधर लिखा हुआ है 4 5 2 1 8, ठीक। अब वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ पढ़ के, ये 5273 लिखा है और ये लिखा है 5218, ठीक है। अब मुझे ये पता करना है कौन सा बड़ा है, कौन सा। अब देखो हमें नहीं मालूम कौन सा बड़ा है, लेकिन हमें पता करना है, तो कैसे करेंगे? तो पहले देखेंगे इसका ये वाला अंक और ये वाला अंक, ठीक है। अंतिम वाला अंक जो इधर से अंतिम हो, बाएं हाथ पे जो अंतिम अंक हो उसको देखना है। ओए नियाली सामने देख, देखो अंतिम अंक देखेंगे, अंतिम अंक किसका और अंतिम अंक किसका, बाएं हाथ से अंतिम, ठीक है। जो सबसे लास्ट में होगा उसको देखेंगे और इसमें भी वही देखेंगे। अगर जो बड़ा होगा वो संख्या बड़ी हो जाएगी, लेकिन अगर दोनों बराबर है तो हम उसके बाद वाला अंक देखेंगे, ये इसका और ये इसका, ठीक है। ये दोनों देखेंगे, इसमें जो बड़ा होगा वही बड़ा हो जाएगा,
ठीक है, लेकिन अगर ये भी बराबर है तो हम इसके बाद वाला अंक देखेंगे। इधर सात है, इधर तो जो बड़ा होगा वही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो सात बड़ा है एक से, इसीलिए ये बड़ा हो गया, ठीक। एक और क्वेश्चन इधर मैंने लिख दिया, 1385 और इधर लिख दिया 3185, ठीक है। देखो इधर, अब इसमें हम सबसे अंतिम वाला अंक देखेंगे। इधर एक है, इधर कितना है, इधर कितना है, इधर एक है, इधर तीन है, तो एक बड़ा है या तीन, इसका मतलब कि ये बड़ा है ना। जब हम पहले अंक देखते हैं, अगर दोनों में पता कर दिया जो बड़ा है वही बड़ा हो जाता है, अगर ये दोनों बराबर होते तो हम दूसरा वाला अंक देखते। देखिए 2890 और इधर लिख दिया 5790, ठीक है। अब देखिए इधर का सबसे अंतिम वाला अंक कितना है और इधर का सबसे अब बताइए दो बड़ा है या पांच, इसका मतलब कि ये बड़ा है, ये बड़ा है ना। 5790 बड़ा है 2890, ठीक है। अब अगर मान लिया जैसे लिखा हुआ 3200, इधर लिखा हुआ 3182, ठीक है। आप देखिए इसका अंतिम अंक और इसका अंतिम अंक देखेंगे, इधर कितना है, इधर कितना है, तो ये तो बराबर हो गए तो नहीं पता चल पाया ना। अब इसके बगल वाला अंक देखेंगे, इधर कितना है, इधर कितना है, तो कौन बड़ा है, इधर वाला, क्योंकि दो बड़ा है तो इसका मतलब, ठीक है। अब होमवर्क नोट करिए घर के लिए। बातें करिए ऊपर ये लिख लेना संख्याओं की तुलना लिख लेना, उसके बाद में यहां पे लिखना होमवर्क, ठीक है। पहला प्रश्न 290 429, ठीक है। दूसरा प्रश्न बीच में जगह छोड़ देना सोच बनाने के लिए, जिधर बड़ा होगा उधर का लगेगा। 315 351 संख्या 3 523 411 प्रश्न संख्या 4 688 678 प्रश्न संख्या 5 901 908, ठीक है। ये पांच प्रश्न नोट करिए, सभी लोग नोट कर लीजिए पांच प्रश्न।